नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है कुंडलिनी। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। इस किताब के लेखक ओम स्वामी है। वह मूलतः लेखक नहीं है, वह एक साधक है, पर अपने अनुभव एवं जानकारी लोगों के साथ पुस्तक के रूप में साझा करते रहते हैं। ओम स्वामी यह उनका संन्यास के बाद का नाम है। उनका असली नाम और उनकी बचपन से लेकर तो साधक बनने की कहानी उन्होंने द मॉन्क्स में मोर इस किताब में बताई है। वह किताब भी मैंने पढ़ी है, उसका रिव्यू और सारांश भी हम आपको जल्दी ही देंगे, पर अभी हम फिलहाल बात करेंगे कुंडलिनी इस किताब के बारे में। इस किताब को जयगो पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका पहला प्रकाशन 2017 साल में निकला था। यह 97 पेज की किताब है और इसकी कीमत है 118 रुपए। यह अमेजोन पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। अगर आप साधक हैं, रेकी के स्टूडेंट हैं या फिर रेकी करके चक्रों पे काम कर रहे हैं, तो यह बुक आप ही के लिए है। इस किताब में उन्होंने चक्रों से जुड़े जो भी मिथ्या तथ्य जनमानस में फैले हैं, उनको दूर करने की कोशिश की है। आइए तो जानते हैं सारांश के रूप में कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा है इस किताब में। सारांश, इस किताब में उन्होंने पौराणिक कहानियों के जरिए बताने की कोशिश की है कि सबसे पहली बार कुंडलिनी का जिक्र कहाँ आता है। उन्होंने यह कहानी शुरू की है माता सती के पिता दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ से, जहाँ भगवान शिव के अपमान के कारण माता सती अपने आप को भस्म कर देती है। ऐसे ही कहानियों के जरिए उन्होंने कुंडलिनी के महात्मा के बारे में बताते बताते वह ललिता सहस्त्र नाम तक पहुँचते है, जहाँ पहली बार कुंडलिनी का जिक्र आता है। इस किताब में उन्होंने वह तरीका बताया है जिससे कि आप अपने ही हाथों की उंगलियों से अपने शरीर पर चक्रों की सही जगह स्पॉट कर सकोगे। उन्होंने यह भी जानकारी बताई कि कौन से चक्र की कौन सी देवी है, उनका रहस्य और गुप्त रहस्य बताया है। हर एक चक्र की देवी को कौन सा खाना पसंद है, हर एक चक्र का बीज मंत्र कौन सा है, कौन सा चक्र जागृत करते वक्त कौन सा खाना खाए, मंत्र कब जपे और ध्यान कब लगाए, हर एक चक्र जागृत करने के लिए कितना समय देना चाहिए। दैनंदिन जीवन से कम कुंडलिनी जागृत करने वाले साधक को 2 घंटे की साधना उन्होंने बताई है। हर एक चक्र का शरीर पर होने वाला परिणाम भी उन्होंने बताया है। कुछ धूर्त लोग चक्रों के नाम पे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, यह भी उन्होंने यहाँ बताया है। उन्होंने खुद कितनी कड़ी साधना की है, इसका जिक्र भी उन्होंने यहाँ किया है। कुल मिलाकर कुंडलिनी से जुड़े हर एक शब्द पर विचार पर उन्होंने प्रकाश डाला है। कुंडलिनी जागृत करने का तरीका भी उन्होंने इस किताब में बताया है। कुंडलिनी जागृत करना एक महान प्रक्रिया है, इसके लिए किसी महान गुरु की आवश्यकता नहीं होती, अतः किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही यह ध्यान साधना करें जो इस मार्ग पर चल चुके हो। आप उनको ओम स्वामी के नाम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप साधक हैं, ध्यान साधना आपके दैनंदिन जीवन का हिस्सा है, तब यह किताब उन्होंने आप ही के लिए लिखी है, पढ़िएगा जरूर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।